चीनी डाल दो, गाड़ी गर्म हो जाता है। जैसे ही ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ये दही मैंने जो डाला हुआ है वो उसको अच्छे से जब भून लेंगे तो ही दाल डालूँगी। और माश की दाल जो है मैंने एक घंटा पहले भिगोई थी, और भिगोने के बाद उसको मैंने गला लिया है तकरीबन 10-15 मिनट, तो बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब ये मिक्सचर जैसे ही तैयार हो जाता है तो इसमें मैं दाल ऐड करके फिर इसको मैं 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और दाल तैयार हो जाएगी। प्याज जो है अगर आप चॉप करके प्याज डाल लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं कि जल्दी से वो भून जाते हैं, और ये जो है इनको ज़रा गलाना पड़ता है। ये बारिश के मौसम में मज़े मज़े के पकवान बनाने का अपना ही मज़ा है, और खाने का भी अपना ही मज़ा है, और एंजॉयफुल मौसम है। अभी दही की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी उसकी खटास जो है वो महसूस हो रही है मुझे, और तकरीबन 5 मिनट और मैं इसको भूनूंगी ताकि अच्छे से स्मेल दही की ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हैं और फिर इसको भूनते हैं। तो आई थिंक अब दाल जो है वो उसको ऐड कर देना चाहिए। अच्छे से आप इसमें दाल को ऐड करें।
में भी हांडी जो है वो माशाल्लाह से कुक हो चुकी है। अब इसको मैं दम पे रखने लगी हूँ। और आप लोग मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।